तो बढ़ते हैं आगे खबरों में। रायपुर में कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उस पदयात्रा में शामिल होंगे, तो वहीं प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद रहेंगे, तो वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस पदयात्रा में शिरकत करेंगे, तो वहीं प्रदेश स्तर के बड़े नेता विधायक गण भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की पदयात्रा होगी जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जैसे तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नेहा केसरवानी जुड़ी हुई हैं। नेहा, पदयात्रा का क्या मतलब निकाला जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जैसे 9 अगस्त से कांग्रेस की गौरव पदयात्रा की शुरुआत हुई है, आज उसका अंतिम दिन है 14 अगस्त, आज जो है गौरव पदयात्रा का समापन किया जाएगा। और गौरव पदयात्रा के समापन कार्यक्रम है, पूरे विधानसभा क्षेत्रों से जो है आज इसका जो है समापन होगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जो है विधानसभा क्षेत्र पाटन में गौरव पदयात्रा में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी गौरव पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। और इसमें इस गौरव पदयात्रा में यदि हम बड़े नेताओं और बड़े चेहरों की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल से भी जो है मंत्री अमरजीत भगत और ये भी जो है यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आज गौरव पदयात्रा निकाली जाएगी। पिछले 4 दिन से ये यात्रा चल रही है, सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में 75 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर ली है। बाकायदा पदयात्रा में गांधी टोपी पहनकर जो नेतागण है, कार्यकर्ता है, वो चलते रहते हैं और लोगों को जो है भारत देश की आज़ादी में जो कांग्रेस का जो योगदान रहा है उसे बताते चलते हैं। और इस तरीके से आज राजधानी रायपुर में भी ये पदयात्रा निकलेगी। राजधानी रायपुर के तात्यापारा से ये पदयात्रा सुबह 10:30 बजे निकलनी है, जिसमें तमाम नेतागण और मंत्रीगण इसमें शामिल होंगे। और आज गौरव पदयात्रा का समापन कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी विधायक ने अपने अपने क्षेत्र में 75 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में गौरव पदयात्रा में शामिल होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, तमाम जानकारी के लिए।